हिसार में स्वास्थ्य विभाग की टीम को कोरोना पॉजिटिव मरीज को लिफ्ट देने वाला दूसरा युवक भी मिल गया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक सप्ताह की मेहनत के बाद इस युवक को खोज निकाला है जो सात रोड का रहने वाला है। पहले पहल तो युवक ने ये मानने से इनकार कर दिया कि उसने किसी को 23 अप्रैल की सुबह लिफ्ट दी थी, लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाई तो वह मान गया। उसने स्वीकार किया कि दलोड़ी के युवक को लिफ्ट दी थी। बता दें कि इस मामले में सातरोड निवासी पूर्व जिला पार्षद राजपाल मांडू ने भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने युवक के परिजनों को खुद सामने आने के लिए मनाया। युवक का पता लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग के बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रमेश पुनिया की टीम ने 23 अप्रैल से अब तक युवक की कॉन्टेक्ट हिस्ट्री के बारे में पूछताछ की। जानकारी के अनुसार युवक के परिवार की सात रोड में एक दुकान है जहां पर घरेलू जरूरतों का सारा सामान मिलता है। 23 अप्रैल की सुबह भी युवक नई सब्जी मंडी के पास से किसी होलसेल की दुकान से अपनी दुकान के लिए सामान लेने के लिए आया था। डॉक्टर रमेश पुनिया के अनुसार दलोड़ी निवासी युवक की दूसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से पता लगता है कि उसमें कोरोना का स्ट्रॉन्ग वायरस है। युवक की इम्यूनिटी पावर भी अच्छी है जिसके चलते अब तक उसमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं आए हैं। ऐसे में उसे लिफ्ट देने वाले युवक की तलाश काफी महत्वपूर्ण थी। इसके लिए उन्होंने दर्जनों जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। इसमें संबंधित दुकानदारों ने उनका बहुत साथ भी दिया। अब इस युवक को आइसोलेशन में भेज दिया गया है और सैंपल की रिपोर्ट आने तक आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। हिसार से संवाददाता विनोद सैनी की रिपोर्ट। दड़ोली वाले जो पेशेंट जो लिफ्ट जिसने दी थी, क्या उसका भी पता लग गया और किस तरीके से पता लगा? जो दड़ोली वाला पेशेंट, उसने दो जगह लिफ्ट ली थी। कैंट पे वो उतरा है किसी ट्रक वाले से, वो कैंट से उतरने के बाद वो फिर उसने पहले लिफ्ट ली मोटरसाइकिल वाले से। वो फिर एक बड़ी कंपनी का गार्ड था, उसको हमने सीसीटीवी से खंगाला। कम से कम हमने 20 सीसीटीवी चेक किए जो दिल्ली रोड जिंदल रोड जो है उसके, उसके बाद हमारी पहचान में आया। उसके बाद जब उसको हमने आइसोलेशन में डाला, उसका भी शुक्रगुजार हूँ मैं भगवान का कि उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया। उसके बाद हम पिछले चार दिनों से, मेरी जो पूरी स्वास्थ्य जो MPW हैं, नूर मोहम्मद जी हैं, राजकुमार है और मनदीप है, अनूप, सभी साथी जो है ना, पूरे रात दिन एक किया हुआ था। और उसका ये हमारे को बेनिफिट मिला कि जैसे हमने 20 CCTV तो वहाँ खंगाले थे बाईपास से लेके और कैंप चौक तक, और फिर उसके बाद में हम एक एक मिनट की इसकी लोकेशन, मैं शुक्रगुजार हूँ सभी दुकानदारों का जो मेरे पास खड़े हैं, बहुत सहयोग दिया इन्होंने मेरे को। एक एक मिनट की इन्होंने सब ने मुझे सहयोग दिया, सारे वीडियो चेक कराए। फिर मैं शुक्रगुजार हूँ गांव सातरोड के सभी निवासियों का। राजपाल मांडू जी मेरे साथ खड़े हैं, जिला परिषद मेंबर रहे हैं पूर्व में, ये इनका बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने पूरा गांव में सर्च अभियान चलाया और उसके बाद ये बच्चा था, थोड़ा सा ये पजल हो गया था, ये इस बात को भूल गया था कि मैंने किसी को लिफ्ट दी है। जब हमने इसको CCTV फुटेज दिखाए तो ये खुद मान गया कि मैं ही हूँ। और इसमें बड़ा सहयोग है इनके घरवालों का भी, जिन्होंने इसको प्रेरित किया भी अपने आप पेश हो जाओ। और मैं शुक्रगुजार हूँ प्रशासन का, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग दिया पुलिस प्रशासन का CCTV में दिखाने के लिए, जिसका ये परिणाम था कि क्योंकि हमारा दड़ोली वाला जो पेशेंट है वो सेकेंड टाइम पॉजिटिव आया है और वो गाजियाबाद से आया है जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिटी स्प्रेड है, तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए एक वो हो गया कि रिजल्ट है हमारी पूरी टीम की मेहनत का कि हमें ये CCTV वाला मिल गया। और आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बयान दिया था कि हम तीन दिन स्कूटी वाला ढूंढ लेंगे, तो उसका भी हमें बहुत फायदा मिला। इसका भी आगे क्या कर रहे हैं? इसको हमने आइसोलेशन में भेज दिया, इसका सैंपल लेके, और कल इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। उसके बाद जैसी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर अगली प्रक्रिया जारी की जाएगी। और ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.